नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी लेट में। आप देख रहे हैं दोस्तों, असाइनमेंट 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको अपलोड करना है अपने आंसर शीट, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड ईयर एनुअल मोड के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने एसओएल की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, जब आप एसओएल की वेबसाइट पे जाओगे तो इनका एक अलग पोर्टल होता है, जैसे ओपन बुक एग्जाम होता है तो उनका एक ओबी पोर्टल होता है, सेम उसी तरीके से जब असाइनमेंट कंडक्ट होते हैं तो उनके एक अलग से पोर्टल बनाया जाता है जहाँ कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपना आंसर शीट अपलोड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको एसओएल की वेबसाइट पे जाना है, फ्रंट पे ही आपको वहां पे दिया रहेगा क्लिक हेयर फॉर असाइनमेंट, यानी कि ए बी ई पोर्टल असाइनमेंट बेस इवोल्यूशन। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से लॉगिन करने के लिए आपको बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको एसओएल की जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे यूज में आएगी। ठीक है, एसओएल के आईडी कार्ड से आप अपना एसओएल रोल नंबर और बारकोड से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको सभी डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एडमिट कार्ड भी मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए क्योंकि एग्जाम रोल नंबर जरूरी होता है, तो एडमिट कार्ड भी आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ए बी ई के पोर्टल पे ही सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होता है कि आपका जो एग्जाम रोल नंबर है वो वहाँ पे शो होगा। उसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन वाइज सीरीज वाइज आपके सब्जेक्ट के नाम आएंगे। ठीक है, हिंदी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, इसके लैंग्वेज भी रहते हैं, चेंजेस लैंग्वेज, हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको 7 डेज का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर 7 तारीख यानी कि 7 जुलाई को असाइनमेंट आता है तो आपको 14 जुलाई तक आपको सबमिट कर देना है। कितने तक? 14 जुलाई तक। 14 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा सबमिट करने के लिए। तो वहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा जिस तरीके से ओपन बुक एग्जाम में एग्जाम जब डाउनलोड करते थे क्वेश्चन पेपर तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता था, उसी तरीके से यहाँ भी आपको टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप 7 डेज में अपने आंसर शीट लिख कर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लॉगिन करेंगे एसओएल स्टूडेंट आईडी कार्ड से, बारकोड और रोल नंबर से। वहाँ पे देखेंगे अपलोड आंसर शीट, जस्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के नीचे ही रहता है अपलोड आंसर शीट, उस पर क्लिक करेंगे। आपने किस लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज वहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद एक आई अंडरस्टैंड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके कन्फर्म कर देंगे और वो आपका आंसर शीट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा क्लिक हेयर फॉर व्यू, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको आंसर शीट डाउनलोड हो जाएगा और आप चेक कर पाओगे कि आपने आंसर शीट जो अपना असाइनमेंट है सही अपलोड किया है या फिर गलत अपलोड किया है। ठीक है, आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको अकॉर्डिंग टू चीज़ें आपको देते रहूँगा। न्यू गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई हैं तो कोई भी यूट्यूब पर अगर आपको गाइडलाइंस मिलती है तो वो फेक होगी, क्योंकि जब भी न्यू गाइडलाइंस आएगी मैं आपको बता दूंगा फ्रंट सीट कैसे बनेगा। असाइनमेंट में भी आपको फ्रंट सीट बनाना है, हर एक सीट पे आपको क्या क्या लिखना है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।